जावेद भाई, ये यहाँ पर बहुत ज्यादा बात हो रही है स्टैट्स की। आप हमेशा स्टैट्स के बारे में ये कहते हैं कि जो गुजर गया है वो गुजर गया, व्हाट हैपेंड हैपेंस। तो क्या आज के मैच में लाहौर के लिए ये कोई फेवरेबल बात हो सकती है? राणा साहब का पता करें वो कहाँ है। राणा साहब लाइव होंगे, किस जगह पे बैठे हैं वो दुआएं कर रहे हैं। राणा साहब को तो बिल्कुल, राणा साहब को तगड़ा होना पड़ेगा अपनी टीम के लिए, तो आपके बच्चे भी खेलेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। इनको एक एक नसीहत किया करें कि देखो क्रिकेट को, देखो क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलो, क्रिकेट को अनाड़ी की तरह नहीं खेलो, क्योंकि आप बेस्ट प्लेयर हो। जो टीम में जो प्लेयर होते हैं वो अपनों पर कॉन्फिडेंस रखें और मैच जितवाने की हूँ अपने माइंड में। आप बोलते नहीं हैं, हम आपका बल्ला बोलना चाहिए और बॉलर है उसका हाथ बोलना चाहिए, बॉल बोलनी चाहिए। हेलो जी, 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 जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो ये चीजें जो है बहुत जरूरी होती हैं। जब आप ये चीजें माइंड में होती हैं तो आपका जो माइंड और फ्रेम ऑफ माइंड होता है वो इसी चीज में आ जाता है, क्योंकि मैच से पहले आपने अपने आप को तैयार करना होता है, मेंटली तैयार करेंगे आप कि हाँ मैं विकेट कैसी है, मैं किस तरह खेलूंगा, कैसे खेलना, मैंने अपने दूसरे की बैटिंग नहीं आने देनी है, मैं ही जाता हूँ कि 20 ओवर खेलूँ, मैं 150 करूँ। तो आप 150 की सोचेंगे तो 100 जरूर करेंगे, अगर 200 की सोचते हैं तो 150 जरूर करते हैं। ये एक क्रिकेट का हिस्सा है। दुरुस्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।